अभी तक हम लोगों ने 9B के एक और दो नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, एक व्यंजक है 50x²y 10y²x+30xy+6y² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब इसको दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजी व्यंजक के गुणनफल के रूप में लिखना है। यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात करिए, मतलब इस व्यंजक का जो गुणनखंड आएगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करने के क्रम में इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले व्यंजक उतारते हैं। व्यंजक क्या है, 50x²y+10y²x+30xy+6y² ये हमारा व्यंजक है। अब इस व्यंजक में यहाँ 50 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 6 है। आप देखो अगर 50, 10, 30 और 6 ये सब के सब अंक 2 से कट जाएंगे। 2 से 50 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 2 से 30 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जो कट जाएगा वो हो गया कॉमन, क्योंकि वो सब में मौजूद है तभी तो कट रहा। तो 2 से सारे अंक कट रहे हैं इसलिए 2 हो गया कॉमन। अब यहां x पे 2 घात है, यहां पे x पे 1 घात है, यहां पे x पे 1 घात है, लेकिन यहां कोई घात नहीं है, x है ही नहीं, x नहीं कॉमन होगा। यहां पे y है, यहां पे y है, यहां पे y है, यहां पर y है। देखो बेटा यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है। यहां y 2 बार है, यहां y 1 बार है, यहां 2 बार है, यहां 1 बार है। तो इसका मतलब ये y भी कॉमन होगा, और जब ये y कॉमन होगा तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको भी कॉमन ले लेंगे। अब क्या करना है, इस 2 से 50 को भाग देना है, 2 से 50 में भाग देना है। तो 2 से 50 कै बार में कटेगा, कै बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, 25 दुना 50 होता है। एक्स स्क्वायर तो निकला नहीं, ये ऐसे ही रह गया, वाई निकल गया, वाई नहीं लिखा जाएगा। प्लस प्लस है, प्लस उतारो, 2 से 10 को काटोगे, 2 पंजे 10, एक वाई निकल गया, एक वाई बचा और एक एक्स, क्या बचा, एक्स वाई। प्लस 2 से 30 कट गया, 2 से 30 कटेगा कै बार में, 15 बार में, एक्स रह गया और वाई बाहर निकल गया। यहां आया 6y², तो 6 कैसे कटेगा, कै बार में कटेगा, 3 बार में, यहां लिखा जाएगा 3, और y के 2 घात में से एक y कहां निकल गया, बाहर निकल गया कॉमन में, तो एक y बच गया। अभी ये कितना हो गया, ये हो गया। अब 2y into something लिख दिया गया। अब यहां पर अगर हम लोग जोड़ा बनावें, जरा ध्यान देना, यहां पर जोड़ा बनावें और यहां पर जोड़ा बनाएं तो क्या मिलने वाला है, तो यहां 25 है, यहां 5 है, 25 और 5 में क्या कॉमन मिलेगा, इस 5 से 25 पूरा पूरा कट जाएगा, 5 पंजे 25, इसका मतलब 5 इसमें मौजूद है, तो उस 5 को हम बाहर निकालेंगे। तो ये तो 2y ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, और एक्स स्क्वायर ये है, एक्स ये है, एक्स भी क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 5 पचे 25, एक्स पे 2 घात, एक्स पे 1 घात, क्या घात बचेगा, 2 में से 1 घात घट गया, 1 घात बचा, धन है, धन उतारेंगे, 5 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, क्या बचा, y बचा, y लिख लिया। अब अगले दो पद हैं, इन दो पद को में से कुछ कॉमन खोजो, या 15 या 3, 3 पचे, अर्थात 3 से 15 कट रहा है, तो 3 इसमें भी मौजूद है, तो 3 बाहर निकालो, यहां x है यहां नहीं, यहां y है यहां नहीं, तो यही कॉमन होगा, 3 से भाग दो, 3 पचे, एक्स उतर गया, प्लस है प्लस, 3 से 3 कट गया, वाई।
अब बेटा देखो ये 5x + y, 5x + y पुनः अगले पद में हम देख रहे हैं दोनों पदों में 5x + y जो ब्रैकेट में है वो कॉमन हो रहा। तो बच्चों हम लोग यहां क्या लिखेंगे, 2y इसको कॉमन लेंगे तो ये लिखा जाएगा 5x + y, ये कॉमन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से ये निकल गया, बचा क्या 5x। चिन्ह यहां क्या है, धन। 5x + y यहां से निकल गया, क्या बचा 3। ये हो गया गुणनखंड, यहां तक आपने कर लिया। फिर कहता है यदि x का मान 1 तथा y का मान 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात करो। तो बेटा अब x बराबर 1 और y बराबर 2 हमें यहां रखना और देखना इसका मान क्या आ रहा है। तो लिखोगे x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर, तो जहां जहां y है वहां पे क्या रखना है 2। तो देखो 2 गुणे y, इस y के जगह पर क्या रख दिया 2, ब्रैकेट बंद। यहां 5 है, यहां पे x है, x के जगह पर क्या रखना है 1, y के जगह पर क्या रखना है 2, ब्रैकेट बंद। यहां पे देखो पुनः 5 है, x के जगह पर 1 और प्लस 3। अब देखो 2 का 2 में गुणा करोगे कितना होगा, ब्रैकेट में 5 × 5 धन 2, यहां कितना होगा दूसरे ब्रैकेट में 5 × 5 धन 3। अभी बताओ ये क्या हुआ, 4, 5 में 2 जोड़ोगे 7 और 5 में 3 जोड़ोगे 8, हुआ कि नहीं हुआ। 7 का 4 में गुणा करोगे कितना होगा 28 गुणे 8, 7 4 का 7 में गुणा करोगे 28, 28 गुणे 8, 28 का 8 में गुणा करो, 8 हटाएं 64 के 4 हाथ में आया 6 और 8 दूना 16 6 22, ये आपका हो गया इस गुणनखंड का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल b² + ab/2 है। समकोण त्रिभुज दिखने में कैसा लगता है, कुछ इस तरह से। ये कोण क्या डिग्री का होता है, हमें कह रहा है कि उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल। अब आप ये बताओ किसी समकोण त्रिभुज का या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंब 1/2 लंब गुणे आधार, या कहते हो ऐसे कह सकते हो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज में ऊंचाई तो बीसी हो जाती है, यह भुजा, सॉरी समकोण त्रिभुज में जो बीसी है यह आधार हो जाता है और इस पर खड़ी दूसरी भुजा इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं इसका आधार क्या है बीसी, और इसकी ऊंचाई बीसी पर जो परपेंडिकुलर लाइन लंब रेखा है ए बी, वही उसका क्या हो गया ऊंचाई हो गया, और यही समकोण त्रिभुज की भुजा भी है। तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से दो चीज मिल गया, एक उसकी भुजा बीसी और दूसरी भुजा ए बी, बीसी और दूसरी भुजा ए बी मिल गई। प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है b² + ab/2 कितना है 2 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कह रहा है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। अब देखो ऊपर देखो जरा इसका गुणनखंड करो, तो ऊपर में b है कॉमन दोनों में कि नहीं, यहां भी b यहां भी b दोनों में b है, तो b कॉमन ले लो बेटा, बी कॉमन ले लिया यहां क्या बचा, यहां क्या बचा बी प्लस
यहां से बी बाहर निकला, क्या बचा? ए बचा, और ए बटे दो था, इस बटे दो को यहां लिख लीजिए, बराबर एक बटे दो गुड़े बी सी गुड़े ए बी। लिखा गया कि नहीं लिखा गया? अब जरा तुलना करो तो एक बट्टे दो यहां भी, एक बट्टे दो यहां भी, लिखा ना, तुलना करो, एक बट्टे दो यहां भी, एक बट्टे दो यहां भी, बी यहां और यहां बी सी, यहां बी प्लस ए यहां ए बी। तो तुलना करने पर दोनों तरफ, तुलना करने पर दोनों तरफ, तुलना करने पर BC का मान क्या हो जाएगा? B, और AB का मान क्या हो जाएगा? B धन A। यही आपका हो गया